नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच संप्रिया पूजा जी यहाँ मौजूद हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में। और यहाँ पर जो है रामायण का भव्य उद्घाटन हुआ है, 1 से 6 तारीख दिल्ली में चलेगा। तो आइए हम पूजा जी से बात करना चाहते हैं कि किस तरह से आपके अंदर इस तरह की भावना आती है, जोश आता है काम करने का, और जिस तरह से आप गाती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? रामायण का यहाँ पर भव्य लोकार्पण हो रहा है। नहीं, बहुत ही अच्छा है। त्रेता युग कितना सार्थक रहा। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते थे कि ऐसा युग होना चाहिए जहाँ सब धर्म एक समान हो, एक भाव हो, एकता के प्रतीक हो, कोई दुखी ना हो, कोई कष्ट ना हो, सब सतमय होना चाहिए, धर्ममय होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए, ना कोई हिंसा, ना कुक्रूरता, ना कोई उदंडता, मतलब सदैव मतलब सत्य की पक्ष में होना। ये तो आपने त्रेता युग की बात कही जो राम जी कहते थे और वैसा उन्होंने करके भी दिखाया। राम जी के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सनातन देश को बनाना चाहते हैं, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, जैसे राम मंदिर अयोध्या में उन्होंने स्थापना की है, जिस तरह से G20 कराया है पूरे देशों में, 20 देशों में हमारी जो मजबूती बढ़ी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए? यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए मैं यही कहना चाहूँ कि जो वही कर रहे हैं जो हमारी धर्म कहती है, जो हमारी सनातन कहती, जो कभी राम जी त्रेता युग में कह गए थे, वो चीज लेके चल रहे हैं। अच्छी प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री की सोच अच्छा है, जो हमें अपनी धर्म की ओर जोड़ रहा है, हमें पुनः वापसी करा रहा है। हमारी धर्म क्या है, हमारी कर्तव्य क्या है, हमारी निष्ठा क्या है, हम कैसे अपने धर्म की ओर जुड़े, अपने लोगों को जाने, अपने लोगों में एकता, भाईचारा, सद्भावना रखें, प्रेम रखें, उस समाज की एक द्वंती जुड़ता को, समाज को सनातन में जोड़ करके एक समूचे परिवार का गठन करने में जो आनंद है वो भिन्नता में नहीं है। भिन्न नहीं होना चाहिए, अलगाव नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये हमारी यशस्वी प्रधान जी का विचार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है और सराहनीय विचार है। इस बात को हम पूरे सनातनी को, हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं, उनको सबको बांधना चाहिए, आत्मसात करनी चाहिए, उनकी बात को अमल करनी चाहिए। और ये अच्छा है, ये अभी से नहीं, त्रेता से यही राम जी भी चाहते थे, यही प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, यही मेरे जैसे अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति भी यही चाहते हैं। कौन चाहेगा कि हिंसा हो, कौन चाहे अलगाव हो? आज सब अपनों अपनों से दूर हो रहे हैं, अपने अपने को मारने काटने पे तुले हुए हैं, जाति धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, जो कि राम नहीं चाहते हैं, जो कि हमारी देश के प्रधानमंत्री भी नहीं चाहते हैं। सब लोग एकता चाहते हैं, समाज को एकजुटता चाहते हैं, विकास चाहते हैं, अर्थव्यवस्था हो चाहे धर्म व्यवस्था हो, हर व्यवस्था से मतलब जो है धर्म की ध्वजा लहराए, धर्म की शान बान आन ऊँची हो रहे, ये तो यही चाहते। बहुत अच्छी बात आपने कही। हम अपना विचार उनके साथ साझा करते हैं और उनकी विचार में हम अपना आत्मसात भी करते हैं। हमारा देश जो है 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहा है जी। अब हम उस काल का लुत्फ ले रहे हैं सभी भारतवासी, लेकिन जब 2047 100 साल पूरे हो जाएंगे आजाद हुए, तो कैसा भारत आप देखना चाहती हैं? मैं ये भारत देखना चाहती हूँ जो राम ने कल्पना किया था त्रेता में, जो कल्पना भगवान श्री कृष्ण ने कल्पना किया था, ऐसा युग निर्माण होना चाहिए। हर व्यक्ति कर्मकांड होना चाहिए, हर व्यक्ति धार्मिक होना चाहिए। ये जो है क्रूरता व्यक्ति है, अधर्मी व्यक्ति है, अखंडता व्यक्ति है, देशद्रोही है, ये सब मिट जाएगा, चारों ओर एकता ही एकता नजर आएगा, सारे लोगों को लगेगा कि हम क्या कहें और क्या ना कहें। मूमेंटता ऐसी होनी चाहिए कि पूरे भारत में धर्म की ध्वजा लहरानी चाहिए, एक होकर के, एकजुट होकर के सत्य की ओर मार्ग पे चलना चाहिए। और भारत जो है ऐसे नजर आना चाहिए कि अब एक है, एक परिवार है, एक घाट है, एक भटौंदा है, एक बोल है, एक चाल है, एक परवेश है, ऐसा दिखना चाहिए कि लोगों को लगे कि हमारी भारत की शान को देख करके हर लोग नतमस्तक है। ऐसी शान, ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता को हर लोग अपनाने के लिए तैयार रहे। ऐसे भारत जब तैयार हो जाएगा तो कोई किसी को कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई अत्याचार, सब प्यार मोहब्बत में जिएंगे और रहेंगे, तो खुशहाल परिवार है, खुशहाल साम्राज्य होगा, खुशहाल देश की प्रजा रहेगी, खुशहाल राजा रहेंगे, प्रजा रहेंगे। बोले कहने का मतलब ये है कि हर चीज जब अच्छा व्यवस्था रहेगा तो कोई भी दुखी नहीं होगा, सब सुखी जीवन जिएंगे,
सब यशस्वी जीवन जिएंगे। तो हमारे पास अभी 25 साल है जो हम सफर तय करेंगे, तो जो आज की पीढ़ी जो पैदा होगी वो 25 साल मतलब एक जो मोदी जी उनका जो विजन और मिशन है विकसित भारत के लिए, तो वो बच्चे जो है वो देश में किस तरह से डिजिटली काम करेंगे, जिस तरह से आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, उनके लिए आप एक मैसेज दें कि वो धर्म से जुड़े, सनातनी बने, माता पिता का आज्ञा का पालन करें, देश कहाँ जा रहा है उसकी तरफ बढ़े, ना कि फोनों में ही लगे रहें। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में कहा है, कर्म प्रधान विश्व जगीराखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। आप सब तो जानते हैं प्यारे सज्जनों, भाई हो, माता हो, पिता हो, बहन हो, सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि फोन कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसी में भी मन लगा रहे हो तो धर्म की ओर जोड़ो। हमको कर्म वही करना है जो धर्म कहता है, और धर्म की ओर अपने मन निष्ठा को लगाओ, और जो कर्म कर रहे हो उसी को इतना साध्य कर लो, इतना साध्य कर लो कि वो चीज़ आपके पहचान बन जाए। तो आपके पास तंबूरा है, ये सरस्वती माँ की पहचान है कि उनके पास भी इस तरह से जो वादन है, तो ये थोड़ा सा दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा गुनगुना दें और थोड़ा सा कुछ गा दें तो दर्शक उत्साहित हो जाए। हाँ, वो तो है, क्योंकि आपने देखा है कि वीणा को लेकर के माँ सरस्वती पहले स्टार्ट की थी, इसके बाद में बड़े बड़े संत आए, सूरदास जी आए, कबीरदास जी आए, गोविंद सिंह जी आए, मीराबाई जी आए, सारे लोग जो है इसी तंबूरे से भजन कीर्तन करके सम्राट को एक नया दिशा दिया, नई ज्ञान, और उन्होंने सबने प्रभु को पा लिया, और सबने प्रभु को पा लिया। तो क्या आप भी उसी अग्रसर हैं, प्रभु कितने नजदीक आपके आ चुके हैं? नहीं, मैं तो अपने अंत समय, आप भी अनन्या भक्त हैं, हमें मालूम लग गया है कि आप भी, मैं भी वही शरण में हूँ, परमात्मा की शरण में हूँ। भजन करते करते खुद तो तृप्त होंगे और दूसरों को भी तृप्त करने की मार्ग बता रही हूँ, ताकि वो लोग सब आगे बढ़े। तो थोड़ा सा अच्छा, दो मिनट के लिए दर्शकों के लिए थोड़ा सा बोल, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोरे सना ना 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 मोहा, पर बिना बजावाते हरि गुण गावे नारा, प्रभु आकर लाजे बचाले हुना। मैंने बहुत ही फेमस गाना गा रही हूँ कि जिस समय माता सीता को रावण जो है हरण करके ले जाती है, तो माँ सीता जो है कितना विलाप करके लोगों को आवाज लगाती है, लेकिन वहाँ तो कोई लोग नहीं मिलते। उस समय नदियाँ, पर्वत, पहाड़, झरना या जो भी पक्षी है, इन सबको सुनाई पड़ा। तो काकभूषणी जी ने सुना और अपने तरह से वो एक पक्षी होकर भी उनके रक्षा करने का प्रयास किया। तो गाना के माध्यम से आप लोगों को सुनाती हूं। तो हे जोगी जाने रे भाई का जाने लंका पति रावण साधु जाने, तो हे जोगी जाने रे भाई का जाने लंका पति रावण साधु जाने। देखती माता सीता कहती है, मैं तो जोगी जान के, संत जान कर, ऋषि जान के आए, मैंने आपको दान दिया और आपने छल के साथ मेरा हरण कर लिया। मैं अगर जानती कि रावण है, निज कर्म करने आया है करके, तो मैं आपको ये दान भी नहीं देती। तो ही जोगी जाने रे भाई का जाने लंका पति रावण साधु जाने, चुंगल चोंचे महाजग दीना हंस रोके रघुराई। देख, एक जटायु जो है अपने चोंच के माध्यम से भी बार बार रावण के हाथ को चोंच मारते रहे, छोड़ो छोड़ो करके एक पक्षी भी कहते रहे। जब दर्द में और दुखी माता को देख करके बचाने के लिए जाके टूट पड़े रावण के साथ युद्ध करने लगे, चुंगल चोंच महाजग दीना हंस रोके रघुराई, कौन भी राज्य में खड़े कन्हैया, कौन भी राज्य में खड़े कन्हैया, कौन हवे रघुराई। तो है जोगी जाने रे भाई का जानो लंका पति रावण साधु जाने, तो है जोगी जाने रे भाई का जाने लंका पति रावण साधु जाने। बोली श्या बलराम चंद्र की जय। एक समय ऐसा भी आया कि भगवान श्री रामचंद्र को महल त्याग के वन में आना, तो है आना पड़े राम, तुम्हें जाना पड़े राम, राजला छोड़े केरे वन में जाना पड़े ना, राजला छोड़े केरे वन में जाना पड़े ना। जब राज को छोड़ के राम वन चले गए, तो ये माया की नगरी है, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला सब एक दूसरे के मोह में, प्यार मोहब्बत में जुटे हुए हैं परिवार। तो परिवार राम के मोह में पिताजी उनके प्राण त्याग दिए,
राजा दशरथ जो है परम मोक्ष को चले गए, माताएं विधवा होकर के कुलहीन होकर के रोती बिलपती सुन सुनाहट महल में पड़ी रह गईं। तब उस समय उनकी वेदना कहती है, माँ तो मुझे राज तिलक ही दिए हैं, लोगों का समझ फेर है, क्योंकि अगर कहीं मैं यहाँ नहीं आती तो लोगों का उद्धार नहीं होता, मेरे भक्त का उद्धार नहीं होता, कई जीवों का उद्धार नहीं होता, वानर का रक्षा नहीं होता और निषाद राज भक्त का रक्षा नहीं होता, और ये जो अधर्मी रावण है उसका वध नहीं होता, तब तो मैं राजा की सही राजा तब बना हूँ जब मैं वन में आया हूँ। और ये माता की देन है, जो हम हमारी माँ को लोग कुलक्षण करके गाली दे रहे हैं माँ कंकई को, वो माँ की देन है जो आज मुझे सही में राज तिलक दी है। ये 12 वर्ष वनवास नहीं है, मेरी राजपाट है ये, यही रहते रहते पूरा कर्म कांड किया हूँ मैं, तो ये राज से बड़ा कोई राज नहीं होता। इंसान को कर्म करते करते ही राज सुख भोगना चाहिए, राज कर्म की वेदना बतानी चाहिए, लोगों को यही सलीका सिखानी चाहिए और हर लोगों को ऐसी करना चाहिए कि अपने कर्म क्षेत्र में बढ़ते 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 समाज के लिए, अपनों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए समय निकालना चाहिए और एक अच्छा कार्य करना चाहिए और नाम शान पहचान बनाना चाहिए, जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, सुनो सबके, लेकिन करो अपने मन से। राम जी ने वही किया कि माता ने जो अच्छा किया है वो मैं अपने आत्मसाद किया। रघुकुल रीति सदाचरी आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पुत्र तो वही है जो माता पिता के, भाई बंधु के, दोस्त यार के, सबके काम आ सके समय पे, और समय पे जो काम न आए तो सब धन व्यर्थ है, व्यक्ति का हिम्मत और बल ज्ञान सब व्यर्थ होता है। समय में काम आ जाए तो वो जो है विद्वान होता है, गुणवान होता है, जय जयकार होता है, सबका समय में महत्व होता है, यही रामचंद्र जी कह गए। फिर बोलते हैं राम जी कहते हैं, राज छोड़ के राजा गए रूप छोड़ के रानी, राज छोड़ के राजा गए रूप छोड़ के रानी, धरती चांद सूरज आ गए, धरती चांद सूरज आ गए, संग पवन पानी तोहे जाना पड़े, तोहे जाना पड़े, राजला छोड़े केर बन में जाना पड़े ना, राजला छोड़े केर बन में जाना पड़े ना, राजला छोड़े केर बन में जाना पड़े राम, राजला छोड़े केर बन में जाना पड़े राम। बोलिए श्याबल राम चंद्र की जय, लखन सिया राम चंद्र की जय, बोलिए श्यापति राम चंद्र की जय। तो पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से आम दर्शकों के लिए, भारतवर्ष के लिए नहीं विदेशों के लिए भी ये मैसेज दिया है, जो हमारे भारत के कुछ लोग बाहर रहते हैं, तो आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना अच्छा विचार साझा करने में हमें भी अपने समय दिया और हम अपने समय आपको दिया, मैंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हम सब सनातनी बने और धर्म को अपनाएं और धर्म के अलावा अहिंसा छोड़ करके सनातनी बन के धर्म प्रीति राज होना चाहिए, जहां एकता भाव सद्भाव प्रेम और भाई सरव वसुदेव कुटुम्बकम जैसे राज्य स्थापित होना चाहिए। इसके लिए आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहे हूँ, देश कर रहा है, राजा कर रहा है, प्रजा कर रहा है, सारे लोग कर रहे हैं, और वैसे सब करेंगे तो देश स्वाभाविक है सद्भावना होगा, साम राज होगा, शांत राज होगा, सुशील राज होगा, खुशहाल राज्य होगा, विकसित राज्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।